नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप लोगों के लिए जो ट्यूटोरियल लेकर के आई हूँ ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लिक्विड लिपस्टिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में और बिल्कुल परफेक्टली। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर मेरे वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हो तो भाई इन्हें लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है, जैसे आपकी जो लिप्स हैं वो सॉफ्ट और नरिश्ड होने चाहिए। अगर आपके लिप्स ड्राई रहेंगे तो लिक्विड लिपस्टिक या फिर कोई भी लिपस्टिक आप उस पर अप्लाई करेंगे तो उसका जो लुक है वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपके जो लिप्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, नरिश्ड होने चाहिए, मॉइस्चराइज्ड होने चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके जो लिप्स हैं उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, डेड सेल्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसी कोई समस्या है तो आप पहले अपने लिप्स को स्क्रब कर लें और उसके बाद उसे मॉइस्चराइज करके फिर लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करें। तो यहाँ पे मुझे ऐसी कोई समस्या अभी है नहीं, तो मैं डायरेक्टली अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूँगी, उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करूँगी। अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सोल्ट्री का लिप बाम। आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, इवन आप ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप ऑयल को पहले लगा दें, थोड़ी देर के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दें, फिर किसी भी सॉफ्ट कपड़े से, कॉटन से आप उसे पोंछ लें, उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई करें। यहाँ पर मैं लिप बाम ही यूज़ कर रही हूँ, इसे मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी। हमको लगा के आपको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है ताकि आपके जो लिप्स हैं वो अच्छी तरह से मॉइस्चराइज हो जाएं। लिप्स पे कभी कभी डिसकलरेशन की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, उसे अवॉइड करने के लिए हम अप्लाई करेंगे कंसीलर या फिर फाउंडेशन। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का फिट मी कंसीलर। यहाँ पर जो मेरा शेड है ये है 25 मीडियम। इसे आपको थोड़ा सा ही अप्लाई करना है। बस थोड़ा सा ही, और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। आप चाहें तो अपने फिंगर टिप्स की हेल्प भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं लूँगी लिक्विड लिपस्टिक। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ NYBA की लिक्विड लिपस्टिक। इसे मैं यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करूँगी। अब मैं इसे अपर लिप्स पे अप्लाई करूँगी। यहाँ पे मैं हल्का सा ट्रायंगल बनाऊँगी। आप देख सकते हैं, और फिर इसे मैं फिल करूँगी।
दोस्तों आपने देखा कि कितने इजी वे में आप लिक्विड लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे पहला ये है कि आपके जो लिप्स हैं वो सॉफ्ट होने चाहिए, मॉइस्चराइज्ड होने चाहिए, ड्राई नहीं होने चाहिए। सेकेंड, आपके लिप्स में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर ऐसे कोई समस्या है, डेड सेल्स की समस्या है, तो पहले आपको उसे रिमूव करना पड़ेगा। थर्ड, आपको जो लिपस्टिक है उसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ अप्लाई नहीं करना है, आपको एक बार ही ले लेना है। उसमें जितनी भी लिपस्टिक आएगी आप उसे ही अप्लाई कर लें, क्योंकि अगर आप बार बार लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो लेयर्स पे लेयर्स चढ़ती जाएगी और आपके लिपस्टिक का लुक अच्छा नहीं आएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलती हूँ बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, प्यार बरसाते रहिए। अगर मेरे वीडियोस आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो भाई इन्हें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, जहाँ भी आपको मन करे वहाँ शेयर कर दीजिए, मतलब फैला दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।